साथियों ओम नमः शिवाय। साथियों पूरे 72 वर्षों के बाद 2 अप्रैल 2022 से 11 अप्रैल 2022 यानी के इन 9 दिनों में बन रहा है दुर्बल महाशुभ संयोग महालक्ष्मी योग। ये 4 राशियां होंगी धन से मालामाल। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से इन 9 दिनों में बन रहा माँ लक्ष्मी योग महाशुभ योग। इन 4 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। ये 4 राशि वाले धन से हो जाएंगे मालामाल, जिन पर माता लक्ष्मी अब बहुत अधिक प्रसन्न हो गई है, जिससे इन 4 राशि वालों के जीवन में अब आने वाली हैं खुशियां ही खुशियां। इन 4 राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, वे खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं जो माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से इस बार चैत्र नवरात्रि में धन से मालामाल होने वाली हैं। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 4 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी आप इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो इन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें, माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें, जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सीधे सीधे इन्हें प्राप्त हो सके। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे इसी तरह की महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा इन राशि वालों के लिए ये आने वाला समय। दोस्तों आपको बता दें, आजकल के समय में हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति अपने जीवन की आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। आर्थिक समस्याओं ने इंसान को बुरी तरह से जकड़ रखा है। हर कोई इन समस्याओं और परेशानियों से अपने अपने तरीके से निजात पाना चाहता है, जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहता है। परंतु दोस्तों ये समस्याएं, ये परेशानियां उसका आसानी से पीछा नहीं छोड़ना चाहती। दिन रात हम इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सकें या प्राप्त कर सकें। लेकिन दोस्तों ये उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों आजकल के समाज में कोई भी इंसान किसी की इतनी आसानी से मदद नहीं करता। लेकिन दोस्तों धन कमाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, या किसी कारणवश मनुष्य का भाग्य उसका साथ दे दे तो वह धन कमा सकता है। क्या आप जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हमारे साथ घटित होने वाली घटनाओं का हम पहले से ही अवलोकन कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के गूढ़ विश्लेषण और ग्रहों की चाल की स्थिति हमें पहले से ही ये ज्ञान प्रदान करती है कि व्यक्ति के साथ कब और किस समय क्या घटित होने वाला है। इतना ही नहीं, हमारे बहुत से ऐसे प्राचीन ग्रंथ हैं जो पहले से ही व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। लेकिन दोस्तों ये वही जान सकता है जिसे शास्त्रों और ज्योतिष का ज्ञान हो, इसके साथ ही ग्रहों की चाल परिवर्तन का सही विश्लेषण करना जानता हो। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष और ग्रहों की चाल बताती है अब आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, अब आपकी लॉटरी लग जाएगी। अचानक आपके जीवन में इतने बड़े परिवर्तन होंगे जिनकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों अब आपको यह भी बता दें कि अब आपका समय पूरी तरह से बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। ग्रहों में होने वाले परिवर्तन से आपकी भाग्य रेखा अब बदलने वाली है। दोस्तों आपने अपने जीवन में जितनी भी मेहनत परिश्रम किया उसका फल अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दें, अब आपकी सभी दुख दर्द तकलीफ और जीवन की विकट समस्याएं अब समाप्त होने वाली हैं और अब आपको आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। दोस्तों अब आपको बहुत बहुत सी बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कई क्षेत्रों से शुभ समाचार मिलेंगे, अब आपके सारे रुके हुए कार्य पूरे होंगे। अब इस समय में आपकी धन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और अब आपको जीवन की सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, जिन्हें आप अपने जीवन में अपने सपने में भी कभी नहीं सोच सकते थे। दोस्तों आप जो पिछले काफ़ी समय से मेहनत किए जा रहे हो और सफलता अभी तक नहीं मिली, तो अब आपको अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है।
अब आपको अपने जीवन में बहुत सारी खुशखबरियों की प्राप्ति होगी और बहुत सारे बदलाव अब आपके जीवन में होंगे। निश्चित ही ये अवधि आपके लिए एक संतोषजनक अवधि होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपकी एक नई शुरुआत होगी। दोस्तों, इस समय में आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा और आपकी मेंटालिटी और सोच बहुत अच्छी हो जाएगी। आप पूर्ण उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। जो जातक मोटिवेशनल कार्यों में लगे हैं, उनकी वाणी में एक मिठास आएगी। आपकी वाणी सभी का मन मोह लेगी। हर कोई अनायास ही आपकी तरफ आकर्षित होगा। दोस्तों, इन दिनों में आपके कार्यों में मजबूती आएगी, आपके सुखों में वृद्धि होगी और अचानक धन लाभ होगा। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे आपके कार्यों में मजबूती आती चली जाएगी। शेयर बाजार में निवेश से लाभ होगा। इस समय में आप सट्टा लॉटरी में निवेश से आपको लाभ होगा। दोस्तों, इन दिनों में अब आप अपने कार्यों में नई चीजें ऐड करके कार्य करने वाले हैं। यह सुख समृद्धि के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। कोई भूमि, प्लाट, मकान, दुकान या कोई वाहन लेने के योग इन दिनों में अब बनेंगे। जिन जातकों का काफ़ी समय से अपने घर का सपना था, घर बना रहे थे और अचानक काम रुक गया था, अब वो रुका हुआ कार्य भी पूरा होगा और उनका घर बनाने का सपना पूरा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार होगा। शिक्षा के क्षेत्र में एक नई सफलता मिलेगी। जो जातक संतान प्राप्ति के इच्छुक थे और उनका वो सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ था, जी हाँ दोस्तों, तो इन दिनों में उनका वो सपना पूरा होगा। दोस्तों, इस समय आपके शत्रु तो होंगे लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपको हमेशा सावधानी रखनी होगी, स्वयं अपनी बुद्धि लगाकर आगे बढ़ें। अगर आपने कोई लोन लेने के लिए अप्लाई किया था और आप लोन लेना चाहते थे तो अब आपका लोन मंजूर होगा और पुराने कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, अब आपके जीवन साथी से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। घरेलू सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आपके जीवन साथी का आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा और पूरा साथ भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने परिवार का भरपूर सहयोग भी मिलेगा। माता पिता का आशीर्वाद आपको और अधिक सफलता दिलाएगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप इन दिनों में अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। जो रिश्ते अलग से हैं, उन नाजायज रिश्तों से इन दिनों में दूरी बनाए रखें। प्रेमी प्रेमिका इस समय में विवाह के बंधन में बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय में अविवाहितों के रिश्तों की बात आगे बढ़ेगी। उनके रिश्ते आने के योग बनेंगे। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जो भाई बहन संतान के इच्छुक थे और संतान नहीं हो पा रहे थे, उनका सपना भी इन दिनों में पूरा होगा। नौकरी पेशा जातकों को उनकी जॉब में प्रमोशन होगी और जो जातक नौकरी के लिए परेशान थे, उन्हें नौकरी इस समय में प्राप्त होगी। आप अपने प्रयास और अधिक तेज कर दें जिससे आप सफल हो सकें। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय खास रहेगा। भविष्य को लेकर बनाई गई नई नई योजनाओं में उन्हें सफलता मिलेगी। आपका घर परिवार काफ़ी हद तक सुचारू रूप से चलेगा। यदि आप किसी काम के सिलसिले में अभी तक परिवार से दूर रह रहे थे तो अब आप अपने घर परिवार वापस लौट सकेंगे और अपने परिजनों के साथ कुछ समय बिताने की संभावना बन रही है। परिवार के बुजुर्गों से आपके संबंध अच्छे बनेंगे। यह समय पारिवारिक जीवन के लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। पारिवारिक सदस्यों में आपकी सामंजस्य बढ़ेगा। आपके परिवार की समाज में अच्छी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सामाजिक माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। आपको अपने पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर चलना होगा। आप अपने परिवार में शांति और सद्भावना लाने के सभी प्रयास करेंगे। यदि आपका परिवार आपका साथ देगा तो आप काफी हद तक परेशानियों और समस्याओं से छुटकारा भी पा लेंगे। साथियों, हम जिन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बात कर रहे थे, वो खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां इस प्रकार से हैं, जो 2 अप्रैल से हो जाएंगी मालामाल। मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि, इन राशि वालों को अब अनेकों प्रकार के लाभ और धन लाभ अपने जीवन में होने वाले हैं और इनके जीवन की समस्त कष्टकारी परिस्थितियां अब समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहे। कमेंट में जय लक्ष्मी मावसे लिखें। धन्यवाद दोस्तों।